बहुत ही अच्छे तरीके से ये जर्मिनेट हुआ है गोभी का पौधा। दोस्तों जुलाई का महीना आ गया है और जुलाई के महीने में आप अपने घर में गोभी लगाना चाहते हैं तो दोस्तों हम बता दें आपको कि बहुत अच्छे तरीके से आप घर पे नर्सरी ग्रो करके और गोभी को लगा सकते हैं। दोस्तों आप मार्केट से जो भी सीड्स परचेज करिए, अच्छी क्वालिटी के परचेज करिए, थोड़ा सा पैसे लगेगा लेकिन जो भी आप सीड्स लाएंगे तो अच्छी सीड्स रहेगा तो ग्रो की जो परसेंटेज है बहुत ही ज़्यादा रहेगा। तो देख सकते हैं मैंने सीड्स लिया हुआ है, मात्र ये 5 ग्राम सीड्स है और ये 5 ग्राम सीड्स में कम से कम 200 से 250 सीड्स ये मिले हुए हैं और हम आपके सामने ये 50, आप देखिए 50 खाने एक ट्रे में है, 50 सीड्स ग्रो करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। आप ये देख सकते हैं इसको हम ग्रो करने के लिए दो चीज़ लिए हैं, सबसे पहले तो लिए हैं कोकोपीट, उसके बाद लिए हैं बर्मी कंपोस्ट। दोस्तों बर्मी कंपोस्ट की मात्रा लेना है 25 से 30% और कोकोपीट की मात्रा लेना है 70%, दोनों को मिक्स कर दीजिए। अगर ट्रे सिस्टम में दोस्तों अगर आप इसको कोई भी सीड्स ग्रो कर रहे हैं तो बर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट की मात्रा अगर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये ग्रो होता है। दोस्तों उसके बाद अगर ये तो है सिस्टम, अगर ट्रे में अगर आपके पास एक कोको क्वाइन आता है, कोको क्वाइन अगर आपके पास होगा तो उसमें भी आप अच्छे तरीके से सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। थोड़ी सी उसके लिए पैसे पे करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। देखिए अब इसमें हम इसको फिल कर लेते हैं। अब दोस्तों इसको हम हल्का हल्का प्रेस कर देते हैं। और प्रेस करने के बाद जहाँ जाइए उसको अब इस तरीके से और हम फिल कर देते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने घर पे ग्रो करिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये ग्रो होगा। इसमें अब आपको करना ये है कि हल्का हल्का इस तरीके से छिद्र कर देना है। अब आपको सीड्स को इसमें डाल देना है। और दोस्तों एक छिद्र में एक ही सीड्स को आप डालिएगा, ये ध्यान आप दीजिए। दोस्तों सभी में हमने सीड्स को डाल दिया। अब करना क्या है कि इस तरीके से हाथों से आप फैला दीजिए और जहाँ जहाँ ये कम है पोटिंग मिक्स डाल के इसको फिल कर दीजिए आप। और इस पर से दोस्तों आप दे दीजिए इस पर पानी। और दोस्तों ये ध्यान रहे पानी इसमें आपको देना है तो फव्वारे के रूप में देना है, ये आपको बहुत विशेष तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है। और फव्वारे का सहारा लीजिए इस तरीके से और सभी को आप हल्का हल्का बस पानी एक बार आप दे दीजिए। दोस्तों इसके बाद इसका अपडेट आपको हम दिखाते हैं। दोस्तों आज पूरे 11 दिन हैं और 11 दिन के बाद इसका अपडेट आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये जर्मिनेट हुआ है गोभी का पौधा। दोस्तों बस थोड़ी सी ये जो 3-4 आप देख रहे हैं ये थोड़ा टूट गया था, इसको हटाने में यहाँ से जो कोकोपीट जो मैंने भरा था इसमें से निकल गया था और इसलिए अच्छे तरीके से ये जर्मिनेशन नहीं हो पाया। बाकी आप देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से जर्मिनेट हुआ है। अब दोस्तों इसे करना क्या है, इसे करना ये है कि अब इसको आपको धूप में रखने की ज़रूरत है, मीन्स यह लाइट या प्रकाश में रखने की ज़रूरत है। प्रकाश में रखेंगे दोस्तों थोड़ा सा पौधा ये टाइट होगा और टाइट के साथ साथ इसमें से और लीव्स आना ये शुरू होगा। दोस्तों इस तरीके से आप अपने घरों में अब अच्छे तरीके से आप सीड्स को ग्रो करिए, चाहे कोई भी सीड्स हो गया, चाहे दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि गोभी हो गया, बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, सेम प्रोसेस दोस्तों यही है। इसी तरीके से आप अगर इसको ग्रो करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो सकता है। दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं कि इसको ट्रांसप्लांट आप अभी नहीं करना है, कम से कम ये आपको ध्यान दें ट्रांसप्लांट करने में कम से अभी भी इसमें 10 दिन तो बिल्कुल 10 या 15 दिन इसमें बाकी है। जब पौधा कम से कम 3 से 4 पत्ती का तरीके से मैच्योर हो जाएगा तो जाके इसे आप ट्रांसप्लांट आप करिएगा। दोस्तों मैं इसका अपडेट आपको दिखा दिया हूँ। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में टॉपिक के साथ, धन्यवाद।